हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है हमारे इस चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या होता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में 10th क्लास और इंटर ग्रेजुएशन के लिए कि कौन सा वैकेंसी आपको जो है सुटेबल है और कैसा वैकेंसी निकलता है, और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस और एज और सैलरी के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता क्या है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये होता है कि विभिन्न प्रकार की डिपार्टमेंट की वैकेंसी को SSC जो है ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो पोस्ट है सिलेक्शन करके उस डिपार्टमेंट में जो है अपॉइंटमेंट कराता है। ये सिर्फ जो है सिलेक्शन अथॉरिटी है, ये सिलेक्शन करके उस जो सिलेक्टेड बंदा है उसको अपॉइंटमेंट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास 10th क्लास क्वालिफिकेशन है तो 10th क्लास के लिए आपकी कौन सा जॉब आप बढ़ सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप हाइट और फिजिकल में फिट है तो आप जो है SSC GD का बढ़ सकते हो। SSC GD में जो है असम राइफल, CSF, CRPF, BSF, ITBP, SSB और NIA में जो है वैकेंसी निकलता है। ये कांस्टेबल पोस्ट है, ये ग्रुप सी का पोस्ट है। तो इसके लिए आपको 10th क्लास चाहिए, और जो है एज 18 से 23 जनरल के लिए, 3 साल छूट OBC के लिए, 5 साल छूट SC ST के लिए। इसके लिए जो है फीस जो है सभी के लिए, जो आगे भी बताने वाला उसके लिए जो है लेडीज़ और जो है SC ST के लिए फीस बिल्कुल नहीं है, सिर्फ OBC और जनरल वाले के लिए फ़ीस भरना पड़ेगा। ये 100 रुपीज़ का होगा। और उसके बाद में इसकी सिलेक्शन प्रोसेस जो है, सबसे पहले 5 किलोमीटर होगा। उसके बाद में जो है जो 5 किलोमीटर पास होता है वो बंदा जो है एग्ज़ाम लिखेगा, एग्ज़ाम पास होता है वो मेडिकल जाएगा, उसके बाद में फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये कांस्टेबल के लिए, ये जो है ग्रुप सी पोस्ट है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि सेकेंड जो है 10th क्लास के लिए आपको जो जॉब मिलने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। सेकेंड जो है मल्टी टास्किंग स्टाफ जो है, इसको बोलते हैं MTS। MTS की वैकेंसी जो है 10th क्लास की क्वालिफिकेशन के हिसाब से मिलता है। तो इसकी पे बैंड क्या है, तो है 5,200 से लेकर 20,200 तक का ये पे बैंड है। तो ये भी अच्छी जॉब है, क्योंकि 10th क्लास की आपकी एलिजिबिलिटी से इससे अच्छा भी नहीं मिल सकता। ये सिविल जॉब है, तो सिविल में इसकी एज लिमिट क्या है, 18 से 25 ईयर्स तक जनरल के लिए है, और 3 साल OBC के लिए, 5 साल जो है SC ST के लिए बढ़ सकता है। ये जो है दो प्रकार के एग्ज़ाम होता है, एक जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, एक डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। उसके बाद में जो है आपके फाइनल होगा, जो है फाइनल कट ऑफ में आपका नंबर आएगा तो आपको जॉब आएगा। उसके बाद में जो है बात करते हैं कि 10+2 की कौन सा वैकेंसी निकलता है। 10+2 में एक CHSL कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन जो है CHSL की वैकेंसी निकलता है। उसमें जो है 3 प्रकार के होता है, जो 3 प्रकार की मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर, पोस्टल असिस्टेंट और जो है लोअर डिविजनल क्लर्क निकलता है, और आज अभी जो है कोर्ट क्लर्क का भी एक वैकेंसी निकाल रहा है। ये 4 प्रकार का निकाल रहा है। इसमें जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर और जो है और पोस्टल असिस्टेंट का जो है 2400 ग्रेड पे का है, बाकी जो है 1900 के ग्रेड पे का है। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है कि टायर 1 जो होता है, इसकी टायर 1 की जो एग्ज़ाम है, ये टायर 1 एग्ज़ाम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, टायर 2 जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप रहता है। उसके बाद में जो है टायर 3 भी रहता है, वो स्किल टेस्ट होता है, वो जो टायर 2 पास होता है उसी के लिए होता है। उसके बाद में जो है इसकी पे बैंड क्या है, पे बैंड जो है ये भी 5,200 से लेकर 20,200 तक इसकी बेसिक पे है, और ये भी अच्छी पोस्ट है, तो इसमें भी आप बढ़ सकते हो। और उसके बाद में जो है 10+2 का, अगर आपके पास स्टेनोग्राफी का कुछ नॉलेज है तो आप स्टेनोग्राफी में भी बढ़ सकते हो। स्टेनोग्राफी का जो है ग्रुप बी और ग्रुप सी का वैकेंसी निकलता है, तो इसमें भी आप बढ़ सकते हो। ग्रुप बी का जो है ग्रेड पे थोड़ा ज़्यादा रहता है, ग्रुप सी का थोड़ा कम रहता है, तो लेकिन बराबर पेमेंट होगा, सिर्फ थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, मतलब ग्रेड पे में फ़र्क होता है, मतलब 1,000-1,500 का डिफरेंस होगा। उसके बाद में जो है ये सिलेक्शन प्रोसेस तो टायर 1, टायर 2, टायर 3 होगा। और उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि ग्रेजुएशन की आपको क्या क्या नौकरी मिल सकता है। ग्रेजुएशन में जो है एक CGL है, बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस है CGL के बारे में। CGL जो है 20 पोस्ट से भी ज़्यादा जो है इसकी वैकेंसी, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट जो है इसमें निकलता है। एक जो है अगर आपको एग्जांपल से बताएगा तो एक्सेस का, और जो है टैक्स का, टैक्स इंस्पेक्टर जो है, और उसके बाद में जो है एक आजकल जो मतलब अभी एक नया इंट्रोड्यूस किया है ऑडिटर का है, तो वो भी इसमें है, मतलब 20 से भी ऊपर वैकेंसी है। तो इसके लिए एज क्या है, 18 से 27 ईयर्स तक
एज है जनरल के लिए, उससे ऊपर जो है ओबीसी 3 ईयर्स और एसएसटी जो है 5 ईयर छूट है। इसमें जो है पे बैंड क्या है, ग्रेड पे जो है 2400 से लेकर 4800 तक है, हाईएस्ट जो है 4800, और इसमें ग्रुप ग्रुप बी और ग्रुप सी का वैकेंसी इसमें फिलअप होता है। तो इसकी एग्ज़ाम क्या क्या टाइप है, टायर वन टायर टू टायर थ्री होगा। तो ये भी है टायर वन ऑब्जेक्टिव टायर टू फिर ऑब्जेक्टिव, ये भी यही होता है आजकल जो है चेंज कर रहा है, इसका भी आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो, ये बहुत अच्छी पोस्ट है। उसके बाद में जो है बात करेंगे कि ग्रेजुएशन की लेवल में सी ए पी एफ में एस एस सी सी पी ओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन सी एस एफ में वैकेंसी निकलता है। ये भी जो है आप हाइट और फिजिकली फिट है, मेरिकली फिट है, आप बढ़ सकते हो इसमें जो है रनिंग, और जो फर्स्ट सबसे पहले पेपर वन होगा, पेपर वन के बाद में जो है रनिंग होगा, रनिंग के बाद में जो है पेपर टू होगा, पेपर टू के बाद में मेडिकल होगा, उसके बाद में सिलेक्शन होगा। तो उसके बाद में जो है आपको पे बैंड क्या है, पे बैंड जो है इसकी बहुत अच्छी खासी पे बैंड है, ग्रुप बी का पोस्ट है और ग्रुप सी जो है एएसआई का है, और इसकी पे बैंड ग्रेड पे है 4200 और जो है ग्रुप सी का जो है 2800 का है। तो ये भी भर दीजिए आप, भर के बहुत अच्छा जॉब है सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन सी एस एफ में, ये अच्छी अच्छी जॉब है, तो इसके लिए भी भर सकते हो। ये पहले जो है बेसिक पे था 9300 से बेसिक स्टार्ट होता था, अभी जो है 7th पे कमीशन का हर चीज़ की जो है अभी जो भी वैकेंसी का बताया है ये 7th पे के हिसाब से जो है रिवाइज़ किया हुआ है। तो ग्रुप सी का अगर हम बात करेंगे तो कोई भी पोस्ट में बताया 25,000 से ऊपर होगा सैलरी, और ग्रुप बी का जो बात कर रहा हूँ तो 35,000 से ऊपर होगा आप ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होगा।